क्या सोच रही होगी उस आदमी की जो हर परेशान व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता बताता है। तुम उस मन की ताकत का अंदाजा लगाओ। तुम घोड़ी पे बैठने के लिए परेशान हो? ज्ञान शक्ति है। ये पूरा जीवन किसका खेल है? व्यक्तित्व का। कान में खोलता हुआ शीशा डाल देते थे। अच्छा, कि जाति सूचक गाली दे रहे थे, पीछे से किताब जला के धर्म बचाने चले गए। डॉक्टर अम्बेडकर किसको दोष दें? ये पूरा जीवन किसका खेल है? व्यक्तित्व का। अगर डॉक्टर अंबेडकर सोच लेते कि मैं तो दलित हूं, मुझे तो ब्राह्मण, आज तो दलित के पास इतनी सारे राइट्स हैं, उस समय तो कुछ था ही नहीं। क्या सोच रही होगी उस आदमी की? मुझे उस आदमी से सिर्फ एक बात पे लगाव है, उस आदमी की सोच पर। तब तो कोई नियम नहीं था ना, कानून, कि किसी को गाली दोगे, जाति बोलोगे तो तुम्हारे ऊपर FIR हो जाएगा। तब तो ये सब था नहीं। आज कितनी पोजीशन स्ट्रांग है? उस समय उस आदमी का साथ कानून ने नहीं दिया, उसके विचारों ने दिया। मतलब कितनी चुनौतियां रही होंगी उस आदमी के सामने कि अपरकाश हमको, हालांकि उनके फादर आर्मी में थे, ऐसा नहीं था, लेकिन चुनौतियां कितनी बड़ी बड़ी रही होंगी। उस आदमी ने सोचा होगा कि संविधान सभा मेरे इशारे पर काम करेगी, लेकिन संविधान सभा ने उसके इशारे पर काम किया। वजह क्या थी? शिक्षा। इकोनॉमी से दो जगह से डॉक्टरेट है, दो जगह से, एक लंदन से, एक अमेरिका से। लॉ तो छोड़ ही दो, तुम बस उस आदमी की जगह पे खड़े हो जाओ जब वो आदमी क्लास 10th में रहा होगा। कितना ताकतवर मन रहा होगा। मतलब तुम किसी आदमी को क्लास में नहीं बैठने दे रहे हो, पानी नहीं पीने दे रहे हो, और वो राजा बनने के सपने देख रहा है। तुम उस मन की ताकत का अंदाजा लगाओ। हिस्ट्री अगर नहीं पढ़ोगे, जैसे हमारे देश के बड़े सारे राजनेता कहते हैं कि मुसलमानों ने हिंदुओं को बहुत परेशान किया है। कब? नहीं किया है। हाँ तो कब किया है? नहीं किया है, अब हम लोग को नहीं बताया कब। अबे तो भैया हमको भी बता दो कब किया है। नहीं ब्राह्मणों ने दलितों को बहुत सताया है। कब? नहीं सताया है। अरे तो भैया हमको बता दो, हम भी तो जाने, कब सताया है? नहीं वो दलित अगर वो पढ़ लेता था रामायण तो उसके कान में खोलता हुआ शीशा डाल देते थे। अच्छा, कब? नहीं वो सब छोड़ो, कब? अरे हमको भी बताओ, हम भी तो जाने। हाँ क्या, बहुत अच्छा सवाल किया तुमने, बहुत बढ़िया। घोड़ी पे क्यों बैठने नहीं देते? अंबेडकर को मना कर पाए? मैं, मेरी बात सुनो, अंबेडकर को मना कर पाए? नहीं मगर पाए। क्यों? क्योंकि जिन्होंने अंबेडकर की बात नहीं मानी आज वो परेशान है। अंबेडकर की कौन सी बात? अंबेडकर की वो बात, एक स्टेटमेंट में उस आदमी ने दलित मुक्ति का संविधान बताया, एक स्टेटमेंट, एक। तुम घोड़ी पे बैठने के लिए परेशान हो? घोड़ी बैठने के लिए परेशान है भैया, हमको घोड़ी में बैठने दे। अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का। अंबेडकर ने सिद्धांत बताया सवर्णों के सर पे बैठने का, और बैठ के दिखाया, सिर्फ बताया नहीं, दिखाया। पता है क्या सिद्धांत था? एक लाइन में उस आदमी ने कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पी लेता है वो दहाड़ता है। तुम घोड़ी पीछे भागे जा रहे हो।
हाँ, तो ये वो ये कौन दलित है जिन्होंने शिक्षा को ग्रहण नहीं किया। भाई कोई तुम जान लो घोड़ी बैठने जा रहे हो, मान लो तो मैं दलित हूं घोड़ी बैठने जा रहा हूं, और कोई चार ब्राह्मण आ गए और मैं लगा वेद मंत्र बोलने पानी उठा के, तो पंडित जी तो बाइफोट हो जाएंगे, अरे मारवा ना थे कहीं। नहीं, दोनों बेवकूफ नहीं हुए, पंडित जी ज्यादा बेवकूफ हुए, पंडित जी ज्यादा बेवकूफ हुए। पंडित जी अगर उसे घोड़ी बैठ जाने दें तो वो वेद मंत्र पढ़ेगा नहीं। अंबेडकर ने एक लाइन में सूत्र दिया, एक लाइन में। अंबेडकर इतने महान आदमी है ना, अंबेडकर इस भारत के इतिहास में ऐसा आदमी है जो हर परेशान व्यक्ति को मुक्ति का रास्ता बताता है। सिर्फ दलित की बात मैं नहीं कर रहा हूं, आज शिक्षक है, अभी मेरी एक शिक्षक से सुबह दोपहर में बात हो रही थी, तो कहे कि मैं गया था डीएमओ हमको भगा दिया। हमने कहा यार तुम ऐसा करो तुम हिमालय चले जाओ यार। एक शिक्षक बुद्ध है, आजाद शत्रु के दरबार में जा रहे हैं, आजाद शत्रु सिंहासन से नीचे उतर आ रहा है। ज्ञान शक्ति है, इंफॉर्मेशन नहीं, ज्ञान। अंबेडकर को एक बात समझ में आ गई थी कि ब्राह्मण की ताकत की मेन वजह क्या है, वो बात उस आदमी को समझ में आ गई थी, और उस ताकत की मेन वजह थी ज्ञान, ज्ञान पर एकाधिकार। तो उन्होंने ये कहा कि जो इनकी शक्ति का आधार है वो तुम ले लो, जब ज्ञान ही इनकी शक्ति है तो वो ज्ञान तुम भी ले लो, तुम भी ताकतवर बन जाओ। एक डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों की तकदीर बदल दी, एक एक दलित गया मंदिर, डॉक्टर ने रोक ले, कहा यार, बोले हनुमान जी पूजा करा, हनुमान जी बोले तो फिर भाग जाओ, फिर इसकी किताब पढ़ो, हटो यहां से। हम नेता कह रहा है चलो फिर इस पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, भागो यहां से। वो दलित आज एट पार आ गया, डीएम है, कलेक्टर है, मिनिस्टर है। मुसलमानों को ऐसा कोई नेता मिला ही नहीं, नहीं। मुसलमानों को सिर्फ भड़काने वाले नेता मिले, तुम्हारा धर्म खतरे में है, ये फिजिक्स की किताब जला के धर्म बचाने चले गए। एक आदमी ने धर्म छोड़ के फिजिक्स की किताब पढ़ी, वो आज समाज में सम्मानजनक स्थान है। किसी दलित को गाली देके देखो, सिर्फ गाली का मुंह बना दो, जिस तरह गाली देते हैं उस तरह से ऐसे ऐसे मुंह बना दो, वो थाने चला जाएगा कि जाति सूचक गाली दे रहे थे। सर कोई सुनवाई नहीं होगी उसके बाद आपकी, पहले आप अंदर जाएंगे, नॉन अवेलेबल वारंट। इसी पे तो बवाल होता है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बिना मतलब साबित हुए किसी को ऐसे सजा थोड़ी दे सकते, और 2,00,000 रुपया जुर्माना। अप्रोच जो है, लीडरशिप, सोचने का तरीका सब बहुत माने रखता है। फिर अगर मान लो कुछ कर नहीं पाओगे तब यार सबको दोष दोगे, परिवार को, समाज को, टीचर को, कोचिंग को। डॉक्टर अंबेडकर किसको दोष दें? दिया ही नहीं उस आदमी ने किसी को, क्योंकि उस आदमी को खेलना आता है, गांधी को खेलना आता है, लिंगन को खेलना आता है, नेपोलियन को खेलना आता है। ऑल दोज पीपल हु नो टू प्ले, दे विल नेवर ब्लेम एनीवन, नेवर। ऑल दोज हु डोंट नो टू प्ले, दे विल ब्लेम। टुडे यू सी द रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर एससी कम्युनिटी, व्हेन अंबेडकर वाज देयर देयर वर नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर वाज नो लॉ, बट देन ऑल्सो ही मेक्स हिज प्लेस। टुडे सेकेंड अंबेडकर इज मिसिंग, दैट मैन कम्स फ्रॉम अ प्योर कोल माइन एज अ डायमंड।
पॉसिबिलिटी है कि उस आदमी के दिमाग में कुछ भी नहीं रहा होगा गोल के सिवा। तुम्हारे दिमाग में बहुत कुछ होगा। ब्राह्मीन अच्छे नहीं है, शिया अच्छे नहीं है, सुन्नी अच्छे नहीं है, प्रे फॉर गाजा। क्यों रखे हो फालतू की चीजें अपने दिमाग में?